देख रहे हैं जगत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी ने साल 2014 को स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद से हर साल 1 अक्टूबर को पूरे देश में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत स्वच्छता है जहां निरोगी है वहां, इन सभी उद्देश्यों को लेकर भिलाड़ में कृष्णानगर में स्वच्छता अभियान में विजय पाटिल, बाला पाटिल, प्रशांत शेलार, अशोक गिरासे, बापू साहेब, नितिन सोनवणे, हर्षद भाई, दिनेश महाली सर, सुभाष पाटिल, ये सब ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा था जिसके लिए वह चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करें। भारत के सभी नागरिकों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की है, उसमें हमारा भिलाड़ का कृष्णानगर शामिल हुआ। देखिए किरण राजपूत की रिपोर्ट। नमस्कार, केंद्र शासनाच्या वतीने आज जो स्वच्छांजलीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे या ठिकाणी मी उपस्थित झालेलो आहे। दिनेश महाले, हायर सेकंडरी स्कूल सफर काडा, सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। तर या ठिकाणी स्वच्छता पाहून अतिशय आणि मध्ये विविधतेने सहभाग घेतला आणि स्वच्छता या ठिकाणी परिसराची स्वच्छता करण्यात आली। धन्यवाद। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के निमित्त हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो ये 1 अक्टूबर को 10 बजे स्वच्छता अभियान यानी स्वच्छांजलि देकर गांधी जी को जो कार्यक्रम उन्होंने किया, उस माध्यम से हम लोग सब ये कृष्णनगर के सभी रहवासी सभी परिवार यहाँ पर एकजुट होकर यहाँ पर स्वच्छांजलि देने के लिए जो स्वच्छता का अभियान चलाया और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। सब इसमें सब लोग शामिल होकर हर एक ने अपना अपना श्रमदान इसके अंदर दिया हुआ है और सभी का श्रमदान देकर ये हमारी भारत देश की तरक्की के लिए एक माध्यम है और एक छोटा सा उदाहरण है कि ऐसे अगर हम गली गली मोहल्ला मोहल्ला और अपने गाँव को अगर स्वच्छ रखेंगे तो निश्चित रूप में अपना देश एकदम क्लीन रहेगा। और इस माध्यम को मैं और हमारी कृष्णानगर की ओर से लोगों को अभिनंदन भी देना चाहता हूँ, आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ, साथ में एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि इसी प्रकार से अपना घर और अपना मोहल्ला और अपना गांव स्वच्छ रखें और अपने देश की तरक्की को सहयोग करें। थैंक यू।